हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो काफी टाइम से कमेंट आ रहा था फ्रेंड रूम टूर वीडियो के लिए। सो फाइनली आज की इस वीडियो में आप पूरा मेरा रूम देखोगे कि किस तरीके का रूम है, मैं कौन सी चीज कहाँ पे रखता हूँ, किस तरीके से मेरा टेबल रखा हुआ है, बाकी सब सामान किस तरीके से रखे हुए हैं। सो अभी आपको पीछे मेरा रूम दिख रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि मेरा रूम किस तरीके का है। सो गाइस चलिए रूम में एंटर करते हैं। तो और जैसे ही हम रूम में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको ये इस साइड ये दिखेंगे, मेरे कॉलेज बैग रखे हुए हैं, ये अकॉस्टिक गिटार का बैग है और यहाँ पे एक और पीछे बैग रखा हुआ है इलेक्ट्रिक गिटार का। सो ये यहीं पे रखे रहते हैं, कभी कभी इधर उधर होते रहते हैं। और यहाँ पर एक कबर्ड है जिसमें पुराने कपड़े और ब्लैंकेट वगैरह, विंटर के जो कपड़े होते हैं, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो कि रखा हुआ है। तो मैं इसे तो यूज़ नहीं करता ज़्यादा, ये बस सामान रख के बस बंद है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। और उसके बाजू में ये रखा हुआ है जो कि है एजल, और अभी मैं इसमें एक पेंटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि 2x2 के करीब हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी यहीं पे रखा हुआ है, जब ज़रूरत पड़ता है मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कहीं भी हटाते रहता हूँ। उसके अलावा आप इस साइड जाएँगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 3 गिटार रखा हुआ है। सो ये 2 अकॉस्टिक गिटार है, 1 इलेक्ट्रिक गिटार है। मैं मोस्टली यहीं पे प्ले करता हूँ तो इसको इस तरीके से ओपन करके रखता हूँ क्योंकि जब मुझे ज़रूरत पड़े, जब मेरा बजाने का दिन करे तो मैं तुरंत उसे यूज़ कर सकूँ। और ये गाइस ऐसा नहीं कि ये हर समय यहीं पे रहता है, जब मुझे प्रोग्राम में जाना रहता है तो इधर उधर साइड होते रहता है, बैक साइड होता रहता है, ये सब तो आप जानते हैं कि चीज़ें हमेशा इधर उधर होती ही रहती है। सो ये गिटार रखे हुए हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक गिटार मैं यहीं पे बजाता हूँ तो मेरा प्रोसेसर भी यहीं पे रखा हुआ है। ये प्रोसेसर इलेक्ट्रिक गिटार में यूज़ होता है। सो अगर आप गिटार वगैरह प्ले करते हैं तो आपको पता होगा कि ये किस काम आता है। और मैंने इसे इस यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि ये जो चार्जिंग पॉइंट है मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पावर चाहिए रहता है इसलिए मैंने यहीं पे रखा है और मैं यहीं पे प्ले करता हूँ अगर मुझे प्रैक्टिस वगैरह करना रहता है। उसके अलावा सामने यहाँ पर देख सकते हैं एक और है सामान रखने का, तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एक पेंटिंग रखा हुआ, टाइगर का कैनवास रखा हुआ है और ये स्केचेस वगैरह हैं, फ्रेम्स वगैरह पड़े हुए हैं। उसके अलावा एक छोटा सा कीबोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है जो कि मैं प्ले नहीं करता, और एक पॉट रखा हुआ है जो कि काफ़ी सिंपल सा है। और जब हम नीचे आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर कुछ मेरे आर्ट मटेरियल दिख जाएंगे, जैसे फिक्सेटी हो गया, स्प्रे हो गया, और ये वो पीछे तारपीन है, और ब्रशेस रखे हुए, कलर पेंसिल रखे हुए हैं, और ये कुछ आप देख सकते हैं स्ट्रिंग रखा हुआ है गिटार के, और ये कुछ पिक्चर वार्निश है, लिंसिड ऑयल है, और ये पीछे ये वाइट पेंट का डब्बा है एक्रेलिक का जो कि मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ जब मुझे ज़रूरत होता है। और इस साइड में यहाँ पर पेपर रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में ब्रुस्टो का पेपर रखा हुआ है, A4 साइज़ का है, A3 साइज़ का, उसके अलावा नीचे आर्टो का है, डिस्प्ले बुक है, और भी कुछ कुछ रखे हैं यहाँ पे। मेरे पास कैनवास पैड रखे हुए हैं, वाटर कलर शीट्स है, और उसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये माउथ हरगन रखा हुआ है जो कि मैं स्टैंड में फंसा के रखा हूँ, और यहाँ पे डिस्प्ले बुक है, यहाँ पे भी एक पेपर है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कुछ डायरी है, और यहाँ पे वो पॉलीथीन है जिसमें मैं कमीशन वर्क पैक करके भेजता हूँ ताकि वो सेफ़ जाए। उसके अलावा यहाँ पे मिक्सिंग प्लेट रखा हुआ है ग्लास वाला, और ये कुछ कप रखे हुए हैं जिसमें मैं लिंसिड ऑयल हो गया, तारपीन वगैरह हो गया, ये सब मैं रखता हूँ, और कुछ ब्रशेस पड़े हुए हैं यहाँ पर भी, नाइफ़ रखा हुआ है क्योंकि मैं अभी इस पर वर्क कर रहा था तो सब यहीं पे ही रखे हुए हैं। और यहाँ पे मेरा सीपीयू रखा हुआ है, सीपीयू के ऊपर एक छोटा सा स्पीकर रखा हुआ है, तो ये सीपीयू रहा। और जस्ट बाजू में आपको टेबल पर यहाँ पर मेरा सिस्टम मिल जाएगा, और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिक्सिंग प्लेट भी मैंने यहाँ पर टांग के रखा हुआ है। सो यहीं पर हमारा कुछ जुगाड़ है कि यहाँ से प्लग है यहाँ पर ये सीपीयू, और ये रहा हमारा मॉनिटर कीबोर्ड। और उसके अलावा जब हम राइट साइड में देखेंगे तो ये रहा हमारा टेबल जहाँ पर मैं बैठ कर ड्राॅइंग करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मेरा मॉनिटर रखा हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है, और ये आर्टवर्क मैं जो ड्रॉ कर रहा था यहाँ पे वो आर्टवर्क है जो कि मैं लाइव कर रहा था, और यहाँ पे कुछ आर्ट मटेरियल। उसके अलावा यहाँ पे एक सॉफ्ट बॉक्स रखा हुआ है जो कि मैंने बनाया है, और ये डस्ट रखने के लिए एक छोटा सा बॉक्स है, और एक और लाइट मैंने जस्ट रखा हुआ है, मैं उसे और बनाऊंगा सॉफ्ट बॉक्स की तरह, इसकी तरह बनाऊंगा। और यहाँ पे हमारा ओवरहेड वीडियो शूट करने का जो ट्राईपॉड है वो यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके के नोट्स चिपके हुए हैं जो कि ऑर्डर वाले वर्क हो गए हैं, ये सब मैं चिपकाते रहता हूँ, निकालते रहता हूँ ताकि मैं कोई भी वर्क भूलूँ ना। तो आपको एक बार दूर से दिखाता हूँ ये कि किस तरीके का दिखता है। तो दूर से देखें तो हमारा जो टेबल वाला जगह है इस तरीके का है, ये पर्दे लगे हुए हैं, खिड़की है इसके पीछे आप समझ सकते हैं, और फिर ये चेयर जिसमें मैं बैठ के ड्राइंग करता हूँ,
और ये ड्रॉज में मैंने कुछ सामान रखे हुए हैं, आपको एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ ऊपर से। सो इसमें मैंने कुछ रखे हुए हैं, देख सकते हैं, ईयरफोन हो गया, माउस हो गया, ये सब बॉक्स माउस वगैरह भी मैं इसमें ही रख देता हूँ ताकि डस्ट ना हो। और उसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी मेरे कुछ सामान रखे हुए हैं जो कि आर्ट मटेरियल ही है। इस बॉक्स में पूरे ऑयल कलर्स है और नीचे वाले बॉक्स पर एक्रेलिक कलर है। उसके अलावा इसके पीछे भी और बॉक्स है जिसमें मैं अलग अलग ड्राइंग मटेरियल वगैरह रखा हूँ, जैसे लीड हो गया, मैकेनिकल लीड वगैरह हो गया है मैकेनिकल पेंसिल का, तो वो सब मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और दूसरे साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, जैसे ये पेंसिल वगैरह हो गया, आर्ट मटेरियल मैं यहीं पे रखता हूँ जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ ताकि मैं जल्दी से ये सब आर्ट मटेरियल ले सकूँ और प्रॉब्लम ना हो। टेप रखा हुआ है, कटर वगैरह, शॉर्पनर वगैरह, सब मैं जो रेगुलर यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे रखता हूँ ताकि मुझे बार बार प्रॉब्लम ना हो कहीं और पे रखो, क्योंकि मैं राइटिंग हूँ तो मैं राइट साइड वाले ही ड्रॉज पे रखता हूँ तो मुझे इजी पड़ता है। और नीचे कुछ आर्ट वर्क्स रखे हुए हैं, यहाँ पर पूरे आर्ट वर्क है इसमें बहुत सारे हैं जो कि मैं बनाते रहता हूँ, रखते रहता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले बुक है जो मेरे पास वो भर चुका है और मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर रख देता हूँ आर्ट वर्क को। और इसके अलावा नीचे वाले अगर ड्रॉज पर जाएँ तो यहाँ पर कुछ टिश्यू पेपर हो गए हैं और ये वाटर कलर हो गए हैं, केक वाले हो गए, ये ट्यूब वाले, ये सॉफ्ट पेस्टल हो गया, उसके अलावा ये ऑयल पेस्टल भी मेरे पास ये है जो कि मैंने इस वाले ड्रॉज पे रखे हैं। और साइड में थोड़ा सा जगह बचा है, वहाँ पे कुछ बोर्ड्स है जो कि मैं पेंटिंग के टाइम यूज़ करता हूँ, कैनवास का बोर्ड पे चिपका लेता हूँ, उसके बाद उसमें पेंट करते हैं। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना टेबल सेटअप रखा हूँ। इसके पहले मेरे पास छोटा वाला टेबल था, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखते होंगे तो आपको उस वीडियो में दिख जाएगा, और अगर आपने मेरा ब्लॉग चैनल देखा होगा तो आपको ये वाला वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें मैंने ये टेबल मंगवाया था और ये एक और जिसमें मैं बैठकर ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ, ये वाला चेयर मैंने मंगाया था। सो मेरे पास तो यही है, एक टेबल है, ये चेयर है जो कि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बाय किए। अगर आप मेरा ब्लॉग चैनल फॉलो करते हैं या फिर सब्सक्राइब करके रखे हैं तो आपको ये पता होगा। उसके अलावा जस्ट साइड पे आपको मिल जाएगा मेरा कीबोर्ड जो कि मैं यहाँ रखे रहता हूँ, और यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है पावर के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है, और मैं एक बार आपको पीछे से दिखाता हूँ। सो आपको बैकग्राउंड में यहाँ पर कुछ चार आर्ट वर्क दिख रहे होंगे, ये तो दो ऊपर के ये प्रिंट हैं, बाकी ये दो ओरिजिनल है। सो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ आर्ट वर्क लगाए हैं, पहले ऐसा था कि इसमें पूरे आर्ट वर्क लगे हुए हैं, आपको टेप यहाँ पर नज़र आएगा, पूरे आर्ट वर्क लगे हुए थे, वो क्या है धीरे एक एक कर करके सारे निकलते गए तो मैंने वापस लगाया ही नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके का बनाऊँ ताकि मैं वीडियो शूट करूँ तो ये बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, तो मैंने अभी सोचा है कि यहाँ पे ग्रे कलर का पेंट करने का, और उसके ऊपर मैं आर्ट वर्क लगाऊंगा, क्योंकि ग्रे कलर का होगा तो उसके ऊपर अगर व्हाइट कलर के पेपर का जब आर्ट वर्क लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उभर के आएगा, तो मैंने तो अभी इतना ज़्यादा सोचा नहीं है, बाकी मैं इस बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से बनाऊँगा। तो आप एक बार सजेस्ट भी करना कि इस बैकग्राउंड में, इस दीवार पे कौन से कलर का वॉलपेपर अच्छा लगेगा या फिर किस टाइप का बैकग्राउंड रखना चाहिए। वैसे तो मैंने सोचा है जिस तरीके का बताया उस तरीके का मैं रखूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो यही है गाइस मेरे छोटे से हैं आर्ट रूम का टूर, और ज़्यादा कुछ यहाँ सामान नहीं है, बाकी थोड़ा सा ही सामान है, बाकी इतना सामान है कि मेरा सारा काम चल जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी मैं पीछे से एक बार आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, वाइड एंगल में आपको एक एंगल दिखाता हूँ कि मेरा रूम एक्चुअल में कैसा है। सो गाइस अभी आप जिस एंगल से देख रहे हैं आपको मेरा पूरा रूम नज़र आ रहा होगा, तो मैंने अभी इसी एंगल में रखा था कि आपको एक बार में पूरा मेरा रूम नज़र आए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यही है मेरा छोटा सा रूम, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।